मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे भी देखना है कि दुनिया कितनी सुंदर है। मरने से पहले मैं अपनी आंखों से दुनिया एक बार देखना चाहता हूँ। दोस्तों, आखिर इस इंसान ने ऐसे क्यों कहा कि मरने से पहले मैं ये दुनिया देखना चाहता हूँ? क्या उससे अपने आंखों के सामने उसकी मौत दिखाई दे रही थी, या उसमें फिर से जिंदगी जीने की चाह पैदा हो गई थी? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, myself गिरीश सेवकानी एंड आई एम बैक विद अ सुपर्ब स्टोरी। दोस्तों, बाहर कड़क धूप है, कड़क लॉकडाउन है, कड़क वातावरण है, और ऐसे कड़क वातावरण में दो कड़क स्टोरीज आप सबके लिए लेके आया हूं। एंड दिस स्टोरीज आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ वर्ड्स। एंड इसलिए तो कहा जाता है, योर वर्ड्स कैन मेक और ब्रेक यू, और योर वर्ड्स कैन मेक और ब्रेक समवन। और इसलिए कहूंगा कि चूज योर वर्ड्स वाइजली। सो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पहली स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी है दो दोस्तों की। अब ये नॉर्मल दोस्त नहीं थे, ये ना स्कूल के दोस्त थे, ना कॉलेज के दोस्त थे, ना ऑफिस के दोस्त थे, ना ट्रेन के दोस्त थे। ये दो दोस्त हुए एक हॉस्पिटल में, दोनों एक ही दिन एडमिट हुए थे। दोस्तों, इसमें से एक जो इंसान था, उसकी बॉडी नेक के नीचे पूरी पैरालाइज थी, उसकी एक उंगली भी नहीं हिलती थी। एंड जब भी कोई नर्स आती थी तो वो नर्स से सिर्फ एक ही बात कहता था, मुझे कोई ऐसी इंजेक्शन दे दो जिससे मैं मर जाऊं। ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जी के भी क्या मजा है। उसका दोस्त ये सारी बातें सुनता था। उसका दोस्त हर सुबह और शाम को एक खिड़की के यहाँ खड़ा होता था और अपने दोस्त को बाहरी दुनिया के बारे में बताता था। वो उसे बताता था कि दुनिया कितनी सुंदर है, बाहर बीच है, बच्चे खेल रहे हैं, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं, सनसेट हो रहा है। पहले तो उसके दोस्त के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ, बट धीरे धीरे उसे मजा आने लगा, धीरे धीरे उसमें जिंदगी जीने की चाह आने लगी, वो एनर्जी आने लगी। एंड हर रात वो इंतजार करता था कि कब सुबह होगी और कब मुझे ये दोस्त बाहर की दुनिया के बारे में बताएगा। बट दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक दिन उसने देखा कि उसके बाजू वाला बेड खाली था। तब उसने नर्स से पूछा कि क्या मेरे दोस्त का डिस्चार्ज हो गया है? तो नर्स ने कहा, आपके दोस्त ने आपको कुछ बताया नहीं? तो वो इंसान ने कहा, नहीं। नर्स ने कहा, आपके दोस्त के पास कुछ ही दिन बाकी थे, कल रात को ही उनकी डेथ हो गई। ये सुन के वो इंसान काफी रोने लगा, उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, क्योंकि एक वही तो दोस्त था जो उसे बाहर की दुनिया से जुड़े हुए रख रहा था। बट दोस्तों, अब इस इंसान के अंदर जीने की चाह इतनी बढ़ गई थी कि उसे बाहर की दुनिया एक बार देखनी थी। उसके अंदर एक एनर्जी फ्लो होने लगी थी, उसके हर एक बॉडी पार्ट में एनर्जी जाने लगी थी, उसके हर एक ऑर्गन में वो एनर्जी जा चुकी थी, और उसने पूरा जोर लगा दिया। दोस्तों, उसके हाथ पैर हिलने लगे और वो बेड से नीचे गिर गया, और उसने यहां वहां पकड़ के विंडो के यहां पहुंचा। जब वो विंडो के यहां पहुंचा तो उसने क्या देखा कि बाहर एक काली दीवार थी, और उसने तुरंत चिल्लाया और नर्स को बुलाया और नर्स से कहा कि आपने यहां काली दीवार क्यों लगा दी? तो नर्स ने कहा, मैं पिछले 5 साल से यहां काम कर रही हूं, और मैं जब से आई हूं तब से यहां काली दीवार ही है। तो उस इंसान ने कहा, इसका मतलब मेरा दोस्त मुझसे झूठ कहता था, वो मुझे झूठ कहता था कि बाहर बीच है, बच्चे खेल रहे, बड़े एक्सरसाइज कर रहे, सनसेट होता है। और नर्स ने कहा, मुझे ये तो पता नहीं कि आपके दोस्त ने आपसे क्या कहा, बट मुझे ये पता है कि आपके दोस्त ने आपसे जो कुछ भी कहा, आज उसी की वजह से आप यहां पे खड़े हो। दोस्तों, यहां तक तो बात हमें समझ में आई, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। बट अभी आपको दूसरी स्टोरी की यहां लेके जाऊंगा। ये स्टोरी है एक फेमस इन्वेंटर की, एक फेमस साइंटिस्ट की। दोस्तों, जब ये इंसान एक छोटा बच्चा था, तब एक दिन वो स्कूल से घर जा रहा था, और उसके टीचर ने उसे एक चिट्ठी दी थी और कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अपने माँ को देना। ये बच्चा घर पे पहुंचा और लेटर अपने माँ को दिया, और माँ से कहा कि स्कूल के टीचर ने यह चिट्ठी दी है और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने माँ से देना। माँ ने वो चिट्ठी खोली, पढ़ने लगी, और माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब इस बच्चे ने कहा कि माँ, इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है कि आपके आंखों में आंसू आ गए? तब माँ ने वो चिट्ठी जोर जोर से पढ़ा कि इस चिट्ठी में लिखा है कि तू काफी इंटेलिजेंट है, तू काफी जीनियस है, तेरे सामने ये स्कूल कुछ भी नहीं है, तेरे सामने स्कूल के टीचर्स कुछ भी नहीं है। आगे चल के ये बच्चा फेमस अमेरिकन इन्वेंटर बना, एक फेमस साइंटिस्ट बना। कुछ सालों बाद उसके माँ का देहांत हो गया। तब इस इंसान ने
एक पुराना बक्सा उठाया। उस बक्से के अंदर कुछ चिट्ठियां थी। उसने एक चिट्ठी उठाई और दोस्तों ये वही चिट्ठी थी जो उसके स्कूल के टीचर ने दी थी। और जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, आपका बेटा मानसिक तौर पे बीमार है, हमारे स्कूल के टीचर सब ज़्यादा उसे पढ़ा नहीं सकते, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं, आप उसे घर पर ही पढ़ाना। ये पढ़ के उस इंसान की आंखों में काफ़ी आंसू आ गए और उसने एक बुक में यहाँ तक भी लिख दिया, थॉमस एडिसन वॉज अ मेंटली स्लो चाइल्ड, जिसके माँ ने उसे वैज्ञानिक बनाया। हाँ दोस्तों, ये इंसान और कोई नहीं था बट था थॉमस एडिसन, जिसके नाम पे हजारों पेटेंट्स है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों, इन दोनों स्टोरीज से क्या कहना चाहता हूँ, इन दोनों स्टोरीज से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द कितना कीमती है और कितना पावरफुल है। योर वर्ड्स आर वेरी वेरी मच पावरफुल। आपके शब्द किसी को खड़ा भी कर सकते हैं तो किसी को गिरा भी सकते हैं। अभी यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने वर्ड्स कैसे यूज करते हो। और दोस्तों, इसलिए तो आप कोई भी बुक उठा लो, आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो, जो बुक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, सीक्रेट टू सक्सेस, आप सीक्रेट द पावर पढ़ो, आप एटीट्यूड इज एवरीथिंग पढ़ो, हर एक बुक में यही दिया गया है कि यूज पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनवायरमेंट, नेवर यूज निगेटिव वर्ड्स। आपका माइंड, ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड शुड शट देयर डोर्स टू द निगेटिव वर्ड्स, थॉट्स एंड एनवायरमेंट। इतनी पावर होती है पॉजिटिव वर्ड्स में दोस्तों। और कहा जाता है, खाने में अगर जहर मिलाया जाए ना तो इंसान का इलाज हो सकता है, बट अगर आपके कान में जहर मिलाया जाए तो उसका इलाज कभी भी नहीं है। इससे ही आपको पता चलता होगा कि निगेटिव वर्ड्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं। दोस्तों, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ना, अगर मैंने आपसे कहा कि यू आर जीनियस, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन डू एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ, आप में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस खड़ा हो जाएगा। बट यही अगर मैंने कहा कि यू आर सिंपल वेस्ट ऑफ टाइम, यू कैनॉट डू एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ना थोड़ा हिल ही जाएगा। दोस्तों, इसलिए कहूंगा, चूज यूर वर्ड्स वाइजली। आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द काफ़ी कीमती है और वो पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऐसे फ्री डोज ऑफ इंस्पिरेशन हम देते रहेंगे। बेल आइकॉन पे हिट करना मत भूलिएगा, एल्स यू विल मिस अवर नोटिफिकेशन। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और दोस्तों, हमारा जो नया इनिशिएटिव है आशा की किरण, जो कि स्पेशली डिजाइन है फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास में टीचर हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, और अभी तक अगर आपने इस इनिशिएटिव का बेनिफिट नहीं लिया है, तो ऑल यू नीड टू डू इज ड्रॉप अस एन ईमेल, वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल फिक्स सेशन फॉर योर स्टूडेंट्स। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री विद एन इंटेंशन टू हेल्प स्टूडेंट्स इन दिस टफ टाइम। टिल देन, बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।